क्या हुआ जहाँ पना? आपके लिए सोचने का काम तो बिरबल जी करते हैं, फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? बेगम, हम कोई ऐसी चुनौती सोच रहे हैं जो बिरबल जी ना कर पाए। और ऐसी चुनौती सोचने की क्या वजह है जहाँ पना? आपको तो पता ही है बेगम, बिरबल जी हर चुनौती बहुत आसानी से हल कर देते हैं, लेकिन हम उन्हें किसी ऐसी चुनौती में फंसाना चाहते हैं जिसे वो हल ना कर पाए और हमें उन्हें कुछ दिन परेशान करने का मौका मिल जाए, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा। तो आप उन्हें कोई ऐसा काम क्यों नहीं दे देते जिसे करना संभव ही ना हो? जैसे? जैसे आप उन्हें बैल का दूध लाने के लिए कह सकते हैं। बैल का दूध? ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी ही मूर्खतापूर्ण चुनौती है। इसे बिरबल जी तो क्या कोई भी हल नहीं कर सकता। मतलब आपका काम हो गया जहाँ पना, बैल का दूध ही मंगवा लीजिए बिरबल जी से, आपकी जीत पक्की है। तरकीब तो आपने बहुत अच्छी लगाई है बेगम, इस बार तो वाकई हमारी जीत पक्की है। जहाँ पना, कम बारिश होने की वजह से फसलें अच्छी नहीं हुई, इसीलिए हमने किसानों का लगान माफ कर दिया। आपने ये अच्छा काम किया है बिरबल जी, हमें आप पर गर्व है, और हमारे सबसे बेहतरीन मंत्री होने के नाते हम आपको एक ऐसा काम सौंप रहे हैं जिसे आपको हर हाल में कल सुबह तक करना ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जहापना। बिरबल जी, आपको हमारे लिए बैल का दूध लाना होगा। गुस्ताखी माफ जहापना, कोई बैल का दूध कैसे ला सकता है? ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना ही आपका काम है बिरबल जी। अगर आप कल सुबह तक बैल का दूध नहीं ला पाए तो इस महल में कल का दिन आप अपना आखिरी दिन समझिए। बेशक आप बहुत होशियार हैं बिरबल जी, पर इस चुनौती में आपकी हार तय है। रहमत खान, आपने कभी बैल का दूध सुना है? मैं क्या सुखदेव जी, मेरे अब्बा ने भी कभी नहीं सुना, सुनेंगे भी कैसे? बैल दूध देता हो तो कोई सुने भी। बैल दूध देता हो या ना हो, पर ये काम बीरबल जी के हाथ में पहुंचा है। वो अपनी बुद्धि के बल पर बैल को तो क्या, हाथी को भी दूध देने पर मजबूर कर सकते हैं। जहाँ पना, मैं बैल को दूध देने के लिए तो मजबूर नहीं कर सकता, मगर हाँ, गाय से प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि आपको उसके बैल का दूध चाहिए। क्या सोच रहे हैं बिरबल जी, देखते हैं। अनवर, अरे सभी गायों को चारा और खल अच्छे से डालना, देखना कोई भी गाय भूखी ना रहे। पर हम चाहते हैं कि आज शाम गायों को भोजन थोड़ा कम दिया जाए श्यामलाल जी। अरे बीरबल जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की, मुझे बुला लिया होता। मुझे आपसे नहीं, आपकी गायों से काम है श्यामलाल जी, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। मैं कुछ समझा नहीं बीरबल जी। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता श्यामलाल जी, लेकिन आज रात के लिए मुझे कम भोजन की हुई कम से कम 50 गायें किराए पर चाहिए। कम भोजन की हुई, क्यों बीरबल जी? क्योंकि भूख में ही ये गायें चारे के लिए कराहेंगी, मुझे इनका कराना ही चाहिए। काम हो जाने के बाद इन्हें जितना चाहे खिला दीजिएगा। ये लीजिए गायों का किराया, 50 चांदी की मोहरें। माफ कीजिएगा बीरबल जी, आप चाहे 100 गायें ले जाइए, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सूझबूझ से निर्बल लोगों की मदद करता है, मैं उससे एक दमड़ी भी नहीं ले सकता। मुझे पूरा विश्वास है आप इन गायों का इस्तेमाल किसी आवश्यक कार्य के लिए ही कर रहे होंगे। कार्य आवश्यक है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं श्यामलाल जी, किंतु एक मुश्किल को हल करने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता अवश्य है। क्या आप आधी रात को इन्हें महल के पास पहुंचा देंगे? आपने कह दिया, समझिए काम हो गया बीरबल जी। ओहो, इतनी रात गए, ये किस तरह की आवाजें आ रही हैं बेगम? ये तो गाय भैंसों की रामने की आवाजें हैं जहाँ बना। गायों के रामने की आवाज, मगर वो हमारे महल में क्या कर रही हैं?
चलिए चलकर देखते हैं। बादशाह हुजूर, वो बीरबल जी। क्या बीरबल जी नहीं रहे? नहीं नहीं हुजूर, वो तो पूरी तरह से जिंदा है, पर वो महल में ढेर सारी गायों को ले आए हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। क्या ये क्या माजरा है? शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए। बादशाह अकबर किसी भी समय यहाँ आते होंगे, आप सब शांत हो जाइए। ये क्या हो रहा है बीरबल जी? आधी रात गए गायों को महल में लाने की क्या वजह है? इनकी आवाज से हम सो नहीं पा रहे हैं। आपकी नींद खराब हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ जहाँपनाह, लेकिन इन गायों को यहाँ आपके पास लाने के सिवाय मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमें साफ साफ बताइए बीरबल जी कि आप कहना क्या चाहते हैं। जहाँपनाह, आज दरबार में आपने मुझे बैल का दूध लाने का काम सौंपा था। इस तरह का काम मैं पहली बार कर रहा था, इसीलिए दरबार खत्म होते ही मैं सीधा इन गायों के तबेले में चला गया, इन्हें सूचित करने कि कल सुबह ये सब अपने बैलों को तैयार रखें, ताकि मैं बिना किसी मुश्किल के बैल का दूध ले सकूं। मगर मेरे इतना कहते ही हुजूर, ये सभी गायें मुझसे झगड़ा करने लगी। कहने लगी, अगर बैल का दूध मैं ले जाऊंगा तो उनके बच्चे क्या पियेंगे, वो तो भूखे रह जाएंगे। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की जहाँपनाह, लेकिन जब कोई भी गाय बैल का दूध मुझे देने को तैयार नहीं हुई तो मैं इन्हें आपके पास ले आया। मंत्री की बात तो इन्हें समझ में नहीं आई, शायद शहंशाह हिंदुस्तान की बात समझ में आ जाए कि बैल का दूध लेना आपके लिए कितना जरूरी है। बीरबल जी, आप गायों की भाषा कब से बोलने और समझने लगे? तभी से जहाँपनाह, जब से आपने मुझे बैल का दूध लाने को कहा था। जरूरत इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है हुजूर। हम समझ गए बीरबल जी कि आप हमें हमारी ही योजना में फंसा रहे हैं। हमारी भलाई अब इसी में है कि हम अपनी चुनौती वापस ले लें, नहीं तो हम रात भर सो नहीं पाएंगे। लेकिन इस तरह चुनौती वापस लेना तो हमारी शान के खिलाफ हो जाएगा, हमें भी कोई तरकीब लगानी ही होगी। क्या हुआ जहाँपनाह, किस सोच में पड़ गए हैं आप? कुछ नहीं बीरबल जी, सिर्फ इतना ही सोच रहे हैं कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो डर के मारे इन गायों को समझाने बुझाने के लिए आधी रात में हमारे पास नहीं लेकर आता। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें यहाँ ले ही आए हैं तो हम आपसे ही पूछते हैं कि अगर आप हमारी जगह होते तो इन गायों से क्या कहते? हुजूर, यदि मैं आपकी जगह होता तो आपके जैसा ही सच्चा और सही न्याय करता। ये सब गायें अपने हक के लिए लड़ रही हैं, जो कि सही है। इनके बैलों के दूध पर पहला अधिकार केवल इनके बच्चों का ही है, इसीलिए बिना उनकी मर्जी के मैं इनके बैलों का दूध निकालने की बजाय बैल का दूध भूल जाना बेहतर समझता। तो ठीक है बीरबल जी, समझ लीजिए न्याय हो गया। हमारी तरफ से आप इन गायों को समझा दीजिए कि अब हमें बैल के दूध की जरूरत नहीं, हम इनके बच्चों का अधिकार नहीं छीनेंगे, ये निश्चिंत होकर घर जा सकती हैं। जैसा आप कहे जहाँपनाह, मैं इन्हें इनके घर छोड़ देता हूँ, आप आराम से सो जाइए। बीरबल जी। जी जहाँपनाह। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें नीचा दिखाए बिना ही ये एहसास दिलवा दिया कि हमारी इच्छा बहुत ही बचकानी थी। हम आपकी बुद्धि के कायल तो पहले से ही हैं, आपके इस व्यवहार ने आज हमारा दिल भी जीत लिया। मगर क्या जहाँपनाह? बैल का दूध ना सही, पर हम गायों का दूध तो पी ही सकते हैं। कल दरबार में हमारे और सभी दरबारियों के लिए आप गौ माता का दूध लेकर आएंगे। कल की चर्चा पर शाही खानसामे से कहकर उसमें केसर डलवा कर हम सब मिलकर पियेंगे। जो हुक्म जहाँपनाह। देखा आपने बेगम, तेज दिमाग होने के साथ साथ बीरबल जी कितने जहीन हैं। हमें ये बैल का दूध उम्र भर नहीं भूलेगा। भूल तो हम भी नहीं पाएंगे जहाँपनाह, क्योंकि ये बेतुकी चुनौती तो हम ही ने आपको सुझाई थी।